अब जब हमें डाटा हमारे पास साउंड की फॉर्म में होता है, जब हमें उसको कंप्यूटर से लेना होता है, तो वो हमें किस फॉर्म में मिलता है, किसके थ्रू मिलता है, किस डिवाइस के थ्रू? स्पीकर के थ्रू मिलता है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, और आगे हम बता भी रहे हैं, स्पीकर आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस यूज विद द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में जो कॉमनली यूज होने वाला आजकल साउंड को जब हमने लेना है कंप्यूटर से, तो उसके लिए जो आउटपुट डिवाइस यूज हो रहा है वो स्पीकर है। इट प्रोड्यूसेस डिजिटाइज साउंड लाइक म्यूजिक एंड साउंड। ये हमारे पास जो भी डिजिटाइज साउंड होती हैं, वो अगर हमें लेनी है वो हम स्पीकर के थ्रू लेते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस पे। कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या हैं? दीज डिवाइसेस आर इन द डिवाइसेस विच आर यूज टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर्स आर कॉल्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। के हमारे पास वो डिवाइसेस जो कि एक कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने में मदद कर रहे हैं, कि एक दूसरे को रابطہ करवाने में, तो उन उसको हमें वो जो है हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं। फॉर अ कम्युनिकेशन पर्पस विच विद वन विद अदर कंप्यूटर, द कंप्यूटर सिस्टम मस्ट बी इक्विप्ड विद अ मॉड्यूलेटर फॉर द आउट गोइंग डाटा एंड डी मॉड्यूलेटर फॉर द इनकमिंग डाटा। द मॉड्यूलेटिंग डिवाइस इज रेफर्ड टू एज एन अ मोडेम। हमारे पास वो डिवाइसेस जो कि हमें एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने में मदद कर रहे हैं, कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह से, एक कंप्यूटर जो है दूसरी जगह मौजूद है, और एक तो हमें वो अगर अपना वो डाटा उधर से लेना है तो हम किसके थ्रू लेंगे? कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू लेंगे। और कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है उनके पास क्या होना चाहिए? दो चीज़ें होनी चाहिए, एक मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर किस लिए यूज़ हो रहा है? वो इसलिए कि हमारे पास जो आउट गोइंग डेटा, मतलब जो जा रहा है डाटा, उसके लिए। और डी मॉड्यूलेटिंग क्या है? हमारे पास वो डाटा जो कि आ रहा है हमारे पास, ठीक है, इनकमिंग डाटा। द मॉड्यूलेटिंग डिवाइस उस कौन सा है? मॉड्यूलेटिंग डिवाइस वो हमारे पास है मोडेम। ठीक हो गया, अब मोडेम के बारे में पढ़ते हैं। मोडेम इज अ शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। द फर्स्ट मोडेम वॉज फर्स्ट रिलीज बाई AT&T इन 1960। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इंटू एनालॉग सिग्नल्स एंड एनालॉग सिग्नल्स इंटू डिजिटल सिग्नल्स। कि हमारे पास यही जो हमारे पास मोडेम है, क्योंकि हमारे पास मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन होती है इसमें, वो ये होती है कि हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है, और जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है, इनको डिजिटल और जो है हमारे पास एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में, ठीक है। अब वो इस लिहाज से अब हम इसकी थ्री टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स? हमारे पास एक इंटरनल मोडेम जो हमारे पास जो सिस्टम यूनिट में मौजूद होता है, एक एक्सटर्नल मोडेम जो कि ऐसे आप लोगों को घर में अवेलेबल होगा, DSL वगैरह जो होता है वो एक्सटर्नल मोडेम में आ जाता है, और वायरलेस मोडेम्स भी होते हैं जो कि ईवो जो है वो हमारे पास वायरलेस मोडेम होता है। ठीक हो गया, अब हमने मोडेम्स के बारे में पढ़ लिया। लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का है पेज 16 पे, वो ये है हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। अब हमने सारा कुछ पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर हमारे पास, मैं पहले हमने इसके में कंप्यूटर के बारे में पढ़ा कि कंप्यूटर क्या होता है, फिर उसके बाद आगे उन जो भी चीज़ें हमारे पास यूज हो रही हैं उन्होंने उसके बारे में बताया। अब हम पढ़ते हैं हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। देयर आर फोर बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर फॉर देयर प्रॉपर वर्किंग। की चार बेसिक ऑपरेशन होते हैं कंप्यूटर के अंदर ताकि वो प्रॉपरली काम कर सके, और वो कौन कौन से हैं? देयर आर फॉलोइंग, दीज आर फॉलोइंग। इनपुट होती है पहले हमारे पास, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट और फिर स्टोरेज। हमारे पास ये चार काम हो रहे होते हैं तभी हमारा कंप्यूटर काम करता है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं इनपुट ऑपरेशन। इन दिस ऑपरेशन द कंप्यूटर रिसीव्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। कि हमारे पास ये होता है, आपने पहले इनपुट डिवाइसेस वगैरह में सब कुछ पढ़ चुके हैं ये सब, लेकिन इसको आप समझने के लिए, आसानी के लिए, वो ये है कि इन दिस ऑपरेशन द कंप्यूटर रिसीव्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। के हमारे पास जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन होते हैं हम इनपुट डिवाइस के थ्रू रिसीव करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? हमारे पास कीबोर्ड हमने पढ़ा है, माउस पढ़ा है, डिजिटल कैमरा के बारे में पढ़ा है, स्कैनर, माइक्रोफोन के बारे में पढ़ा है। अब पढ़ते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग ऑपरेशन, इन दिस ऑपरेशन कंप्यूटर परफॉर्म्स डिफरेंट एक्शंस एंड ऑपरेशन ऑन द कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। कि हमारे पास जितने भी कंप्यूटर में काम वगैरह हो रहे होते हैं, जो भी कंप्यूटर हमें कंप्यूटर को जो हम
काम देते हैं उसको करने के लिए प्रॉपरली, वो उनको जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो उसके अकॉर्डिंग उस सारी प्रोसेसिंग करता है, इट इज़ डन। अभी सारी प्रोसेसिंग किधर हो रही होती है, वो हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि हमारा CPU या फिर सिस्टम यूनिट में हो रही होती है, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा कि सिस्टम यूनिट हमारे पास जो होता है वो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, आउटपुट ऑपरेशन। इन दिस ऑपरेशन द कंप्यूटर है uses output devices to produce results of processing. It may be display information on monitor screen or print on paper by printer. It is also in the form of sound or audio which is produced by output. अब हमने पहले अभी आज के लेक्चर में हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, तो आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो कंप्यूटर हमारे पास हमें काम देता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, आउटपुट डिवाइसेस वो रिजल्ट हमें शो करते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है। इट मे डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं मॉनिटर के ऊपर, फिर उसके पेपर के ऊपर प्रिंट करके भी थ्रू प्रिंटर इट इज, और साथ में साउंड या भी जो भी आवाज़ें वगैरह जो साउंड म्यूजिक वगैरह सब कुछ होता है वो हमें स्पीकर के थ्रू बताता है। अब हम पढ़ते हैं इसका लास्ट, हमने आज भी पढ़ा है, स्टोरेज ऑपरेशन है। इट इन दिस ऑपरेशन द डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस इंक्लूड फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD एंड फ्लैश ड्राइव, के हमारे पास सारे भी जो भी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन होती हैं कंप्यूटर में वो सेव होती हैं थ्रू स्टोरेज डिवाइसेस। और वो स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी हैं, हमारे पास है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD एंड फ्लैश। अब आप लोगों को अगर कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन समझना है तो उन्होंने सबसे पहले बताया है कि हम कीबोर्ड या माउस के थ्रू इनपुट करते हैं, प्रोसेसिंग हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर चिप में हो रही होती है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, आउटपुट हमें किधर शो हो रहा होता है, मॉनिटर और प्रिंटर किसी के थ्रू भी हमें मिल जाता है, और फिर स्टोरेज किधर हो रही होती है, USB फ्लैश में भी हो सकती है और साथ में हार्ड डिस्क में भी। ये आपका कंप्यूटर एट द एंड ऑफ द चैप्टर, आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि इसमें आप इस पूरे चैप्टर को आप रीड आउट करें, जो चीज़ें आप लोगों के समझ में आती हैं और साथ में आप लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और इसमें ये है कि आप लोग इस पूरे चैप्टर को रीड आउट करें एंड आफ्टर दैट आप इसमें जो भी जो हैं आपके क्वेश्चंस हैं, और साथ में अब हम और सबसे पहले आपकी एक एक्टिविटी है वो ये है कि आप लोगों ने इसका जो चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है जो फिल इन द सर्कल ऑफ फॉर द राइट आंसर, ये सब आपने सॉल्व करने हैं खुद। फिर इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू व्हाट आर द राइट आंसर, आपने इसमें पेंसिल से सॉल्व करने हैं इन सबको, ठीक है।